नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि नास्ति क्रोधम समम रिपुः, यानी क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। हाँ दोस्तों, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, ये एक ऐसा जो है दुर्गुण है जो हमें तो नुकसान पहुँचाता ही है, हमारे आसपास के लोग भी इससे जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो हमें अपने गुस्से, चिड़चिड़े स्वभाव को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारे ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल आते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही जो है बड़ा शत्रु होता है हमारा, और हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुँचा देता है, और हम चाह कर भी जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये अत्यधिक चिड़चिड़ेपन, गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है और तोड़ फोड़ तक कर देता है, तो इस प्रकार के जो है व्यक्ति में नक्स वोमिका बहुत बढ़िया कार्य करती है और उसके इरिटेबल टेम्परामेंट को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और ऐसा कि हम उन्हें सहन नहीं कर सकते। कैमोमिला के लिए ये भी कहा जाता है कि कैन नॉट बियर इट, यानी ऐसे बच्चे इतने ज़्यादा चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं जिनको हम जो है बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के बच्चों में कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन चमत्कारिक रूप से कार्य कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेफिसैग्रिया होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस प्रकार के गुस्से के लिए जो ऐसे लोग जो अपने अंदर गुस्सा इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बाद जो है कोई सामान भी फेंक देते हैं, तो इस प्रकार के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए स्टेफिसैग्रिया होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा ऐसा गुस्सा, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, जो दूसरे कोई व्यक्ति कि जो है अपने ऊपर नज़र भी, यानी कोई उसे देख रहा है तब भी वो क्रोधित हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा, एंटीमोनियम क्रोडम होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, और इस प्रकार के लोगों में देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वेट गेन भी करते हैं, मोटापे से भी जो है ग्रसित रहते हैं, वहाँ पर एंटीमोनियम क्रोडम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। एट लास्ट मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जो इरिटेबल नर्वस टेम्परामेंट, यानी चिड़चिड़े स्वभाव और बहुत जल्दी जो है बातों से जो है प्रभावित हो जाती है, ऐसी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। हाँ दोस्तों, वैलेरियाना होम्योपैथिक मेडिसिन, इस मेडिसिन के बारे में आपने कम ही सुना होगा, लेकिन ये भी इरिटेबल और नर्वस टेम्परामेंट के लोगों के लिए काम करने वाली बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, ये साइटिका के पेशेंटों में भी काम करने वाली बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसे लोग जो साइटिका से जो है साइटिका यानि कमर से लेके पैर के नीचे तक जाने वाला करंट जैसा लगने वाला दर्द, उसमें भी काम करने वाली बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी छोटे बच्चे में जिसको कोई मदर फीड कराती हो, उसमें जो है जो पिलाया हुआ दूध है वो भी थक्के का थक्के अगर उल्टी हो जा रहा हो,
और अगर आप हिस्ट्री में ये देखते हैं कि उस मदर ने जो है गुस्सा होते समय या गुस्सा होने के बाद, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होने के बाद अपने बच्चे को फीड कराया है और उसके बाद से बच्चे को ये कंप्लेन हुई है, तो वहाँ पे वेलेरियाना होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे पे भी बढ़िया कार्य करेगी और आप मदर को भी ये मेडिसिन दे सकते हैं जिससे वो मदर के मिल्क के थ्रू ये होम्योपैथिक मेडिसिन कार्य कर सकती है। हाँ दोस्तों, होम्योपैथी जो है एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो माइंड और बॉडी दोनों सिम्टम्स को लेकर चलती है और ये रिसर्चेस के द्वारा प्रूव हो गया है कि हमारा माइंड ही है जो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है। और होम्योपैथी आज 200 साल से भी ज़्यादा समय से जो है माइंड और बॉडी दोनों सिम्टम्स को इसमें लिया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए कुछ नई जानकारी लाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।